नमस्कार दोस्तों, 31 अगस्त 2019 तक आपने निश्चित रूप से असेसमेंट ईयर 2019-20 की अपनी रिटर्न भर दी होगी, ऐसा मैं मानता हूं। लेकिन यदि किसी वजह से आप अपनी रिटर्न 31 अगस्त 2019 तक असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए नहीं भर पाए हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आप पर कितनी पेनल्टी लगा सकता है, आज के इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, वीडियो में मैं इसी बात पर आपके साथ चर्चा करने वाला हूं। तो अब सर, मैं आपके सामने मेरा पहला प्रश्न रखता हूं, पेनल्टी बनाम फीस के। क्वेश्चन यह है सर कि क्या इनकम टैक्स के प्रावधान एक लेट रिटर्न फाइल करने पर, जिसको हम लोग बिलेटेड रिटर्न भी बोलते हैं, बिलेटेड रिटर्न फाइल करने पर पेनल्टी का प्रावधान करती है, या इनकम टैक्स लॉ फीस का प्रावधान करती है, और पेनल्टी और फीस में अंतर क्या है? तो मैं सर आपकी नॉलेज के लिए यहां पर यह चीज स्पष्ट करना चाहता हूं कि असेसमेंट ईयर 2018-19 से ये कहा जाने लगा कि अगर आप बिलेटेड रिटर्न फाइल करेंगे, यानी लेट रिटर्न फाइल करेंगे, तो हम आपसे फीस लेंगे। जबकि असेसमेंट ईयर 17-18 तक जो व्यवस्था थी वो ये थी कि अगर आपकी रिटर्न देने के लिए आप लाइबल हैं और आप रिटर्न नहीं भरते इनकम टैक्स की, तो आप पर पेनल्टी लगती थी। ये पेनल्टी और फीस में फर्क ये हुआ सर, पहले पेनल्टी लगाना नहीं लगाना असेसिंग ऑफिसर की इच्छा पर निर्भर करता था, परंतु अब सर फीस एक ऑटोमेटिक मोड पर लगने लग गई, और शायद इनकम टैक्स ने ये कलर आरओसी से, यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से लिया है, कि वहां पर भी सर बहुत सारी नॉन कंप्लायंस के लिए फीस लगने लगी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी कह रहा है सर, बहुत सारे सेक्शंस अब ऐसे आ गए जो पेनल्टी की जगह फीस लगाने के प्रावधान कर रहे हैं। तो एक तरीके से सिंपल बात यह है कि सर पहले पहले पेनल्टी लगाना नहीं लगाना असेसिंग ऑफिसर, कर निर्धारण अधिकारी की इच्छा पर निर्भर होता था, और वो ये देखता था कि भाई जेन्युइन केस है तो मैं पेनल्टी नहीं लगाऊंगा, और जेन्युइन केस नहीं है तो मैं पेनल्टी लगाऊंगा, यानी जानबूझकर गलती की तो पेनल्टी लगा। पर अब सर गधे घोड़े सब बराबर कर दिए गए, आप किसी भी वजह से, चाहे जेन्युइन रीजन भी हो, अगर आप अपनी रिटर्न बिलेटेड कर रहे हैं तो आप बाय डिफॉल्ट सर इस फीस के प्रावधान में कवर्ड होंगे। मेरा अगला प्रश्न है सर, फीस कौन से सेक्शन में लगाई जाती है? तो सर एक सेक्शन 234F लेकर के आई सरकार, फिनेंस एक्ट 2017, यानी बजट 2017 से, जहां से सर ये पर्टिकुलर फीस अब लगनी शुरू हो गई। तो अब सर आप मेरा अगला प्रश्न देखिए, फीस किसे देनी पड़ेगी? ऐसे प्रत्येक करदाता को धारा 234F की फीस देनी पड़ेगी, जिसे कि आयकर अधिनियम की धारा 139 के अनुसार आयकर रिटर्न भरना आवश्यक है, एवं जिसने धारा 139 सबसेक्शन 1 में दिए गए समय में आयकर रिटर्न फाइल नहीं की है। अब इसका मतलब समझिएगा सर आप, कि लॉ ये कह रहा है कि आपको 234F में फीस तब देनी है बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की, यदि आपके लिए सेक्शन 139(1) में रिटर्न फाइल करना आवश्यक था, मैंडेटरी था, और आपने वो रिटर्न फाइल नहीं करी। तो आप ये डिसाइड करिए सर, क्या आपके लिए सेक्शन 139(1) ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था अथवा नहीं। यदि रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी था तो सर आपके ऊपर सेक्शन 234F में फीस लगेगी, वो भी तब जब आपने बिलेटेड रिटर्न फाइल करी। और यदि आप 234F की फीस से बचना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उसके दो उपाय हैं, या तो आपकी इनकम ही 139(1) के हिसाब से एलिजिबल नहीं है कि आपको रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी हो, या दूसरा आपने अपनी रिटर्न टाइमली फाइल कर दी हो। अब पिछले डिस्कशन से एक क्वेश्चन आया सर मेरे दिमाग में कि आयकर रिटर्न भरना किसके लिए आवश्यक है, हम ये भी तो समझें सर। तो मैंने कुछ कैटेगरीज रखी सर आपके सामने, जस्ट फॉर अ रेफरेंस। इंडिविजुअल यदि उसकी कुल आय, सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम ₹2.5 लाख से अधिक है, तो सर आप यदि इंडिविजुअल हैं और आपकी ग्रॉस टोटल इनकम ₹2.5 लाख से अधिक है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टोटल इनकम सर, ग्रॉस टोटल इनकम ₹2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको ITR भरना मैंडेटरी है। इसी प्रकार से एक HUF, यदि उसकी सकल कुल आय ₹2.5 लाख से अधिक है, ऐसी HUF को रिटर्न भरना मैंडेटरी है। कंपनियों को, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, कंपनी काम कर रही है नहीं कर रही है, रिटर्न भरना मैंडेटरी है। सभी प्रकार की पार्टनरशिप फर्म सर, उनके लिए भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है। LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप सर, उनके लिए भी रिटर्न भरना मैंडेटरी है। और अन्य व्यक्तियों के लिए सेक्शन 139 ये कहता है कि उनको रिटर्न भरना तब मैंडेटरी है सर, जब उनकी ग्रॉस टोटल इनकम अबाउ बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है। एंड व्हाट इज बेसिक एग्जम्पशन लिमिट फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 सर? ₹2.5 लाख। तो सर ऐसे व्यक्तियों को रिटर्न भरना मैंडेटरी है, जो मैंने यहां पर बताए।
अब यदि आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में आते हैं और आपने रिटर्न अपनी नहीं भरी 31 अगस्त 2019 तक, असेसमेंट ईयर 2019-20 के लिए, तो आप सर बाय डिफॉल्ट सेक्शन 234F की फीस की गिरफ्त में हैं। और ये पर्टिकुलर फीस सर किस प्रकार से लगेगी, मैं आगे आपको उस डिस्कशन में लेके चलता हूं। अब देखिए सर, मेरा अगला प्रश्न है फीस कितनी देनी पड़ेगी। कि हमने पहले ये डिसाइड कर लिया कि साहब क्या मुझे 139 वन में रिटर्न फाइल करना मैंडेटरी है या नहीं है। आंसर आया हाँ जी मैंडेटरी है। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैंने 31 अगस्त 2019 तक रिटर्न भर दी। मान लीजिए भर दी तो बहुत अच्छा, कोई फीस नहीं लगेगी। नहीं भरी तो आप यहां पर कवर्ड हैं। अब फीस कितनी लगेगी जरा आप देखिएगा सर। तीन कैटेगरी सर फीस की सरकार ने बोली, 1,000 रुपये, 5,000 रुपये और 10,000 रुपये। सर ये एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फीस है, यानी अप टू 1,000, अप टू 5,000, अप टू 10,000 नहीं है सर, या तो 1,000 या 5,000 या 10,000, इन तीन में से एक अमाउंट की फीस आपके ऊपर लाइबल होगी, आपको देनी पड़ेगी। पर सर मेरे दिमाग में एक और प्रश्न भी है, किन करदाताओं को फीस नहीं देनी पड़ेगी। हालांकि मैंने इसका आंसर पहले भी आपको दिया, लेकिन मैं बहुत सरल रूप में इसको लिखता हूं। ऐसे सभी करदाता जिनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है। तो अनिवार्य किसके लिए नहीं है, आपने अभी मेरे साथ देखा कि जिनके लिए अनिवार्य है, उसके अलावा जो जने बच गए सर, जो असेसीज बच गए, उनके लिए रिटर्न भरना अनिवार्य नहीं है। यानी मैं उन असेसीज के लिए मैसेज देना चाहता हूं कि ऐसे असेसीज जिनके लिए रिटर्न भरना मैंडेटरी नहीं है एज पर सेक्शन 139(1), उन्हें कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है। यदि वो 31 अगस्त 2019 के बाद भी असेसमेंट ईयर 19-20 के रिटर्न भरेंगे सर, तो भी उनको किसी प्रकार की भी फीस 1,000, 5,000, 10,000 की, जैसे मैंने चर्चा करी, देने की कतई आवश्यकता नहीं है। अब मैं अपने डिस्कशन को सर आपके सामने एक उदाहरण से समझाने की कोशिश करता हूं सर। और मैंने इसे समझाने के लिए आपके सामने एक टेबल रखी है सर। इस टेबल में आप पाएंगे कि मैंने डिफरेंट असेसीज, उनकी एज, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल इनकम और उनके द्वारा दी जाने वाली फीस, तीन सिनारियों में, जब वो 31 अगस्त तक दी गई समयावधि में रिटर्न भरते हैं, जब वो 1 सितंबर 19 से 31 दिसंबर 19 के बीच रिटर्न भर देते हैं, और जब वो असेसी 1 जनवरी 20 से 31 मार्च 20 के बीच रिटर्न भर देते हैं। मैं अपने चर्चा को शुरू करने से पहले सर एक बात आपको स्पष्ट कहता हूं, किसी भी सूरत में असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए असेसी अपनी इच्छा से एक रिटर्न 31 मार्च 2020 के बाद नहीं भर सकता। तो इस वीडियो के थ्रू मैं ये भी मैसेज देना चाहता हूं सर, यदि आपने किसी वजह से अपनी रिटर्न 31 अगस्त 2019 तक नहीं भरी, तो कमर कस लें सर, किसी भी सूरत में आपको 31 मार्च 2020 तक रिटर्न भरनी है, यदि आप रिटर्न भरने के लिए लाइबल हैं। चलिए मैं उदाहरण पर आता हूं सर। मेरा पहला उदाहरण है मिस्टर ए, जिनकी उम्र 25 साल है सर। इनकी ग्रॉस टोटल इनकम 3 लाख है, परंतु टोटल इनकम को डिडक्शंस क्लेम करने के बाद में 290 की मैं मान रहा हूं। अगर इन्होंने 31 अगस्त तक रिटर्न भर दी तो इन्हें किसी प्रकार की फीस नहीं देनी सर। लेकिन यदि ये इसके बाद चले गए तो 31 दिसंबर तक 1,000, और आप देखिए सर 31 मार्च 2020 तक भी इनको मात्र 1,000 रुपए की फीस देनी है। अब ऐसा क्यों सर कि मैंने जो बाइफर्केशन दिया उसमें मैं दोनों ही कैटेगरी में 1,000-1,000 रुपए की फीस कह रहा हूं। एक्चुअली लॉ में सर ये जो सेक्शन आया 234F, वो ये चर्चा करता है, यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक की है, तो ऐसे व्यक्ति को सर किसी भी सूरत में 1,000 रुपए से ज्यादा की फीस नहीं लगेगी। तो सर 1,000 रुपए की ही फीस लगेगी यदि आपकी टोटल इनकम 5 लाख की। और दूसरा प्रश्न, दूसरा पॉइंट ये कि पहली बात आप 139(1) में रिटर्न भरने के लिए मैंडेटली लाइबल हैं, और दूसरी बात आपकी टोटल इनकम 5 लाख से ज्यादा नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको मात्र 1,000 रुपए की फीस लगेगी। अब आप जरा पहले मिस्टर डी का केस देखिए सर मेरे साथ में, कि मिस्टर डी के केस में सर, जिनकी उम्र 65 साल है सर, 6,75 की ग्रॉस टोटल इनकम, 6,45 की इन सज्जन की टोटल इनकम है सर, 31 अगस्त तक रिटर्न भरने पर कोई फीस नहीं लग रही, परंतु 31 दिसंबर तक 5,000 सर, और 31 दिसंबर के बाद 31 मार्च तक सर इन्हें 10,000 की फीस लगेगी, क्योंकि इनकी टोटल इनकम सर 5 लाख रुपए से ऊपर आ गई। अब आप मिस्टर सी का केस देखिए सर, जो कि दूसरा केस है, इनकी उम्र 45 साल है सर, ग्रॉस टोटल इनकम 215, टोटल इनकम 25, इन्हें किसी भी सूरत में सर फीस देने की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि इनके लिए रिटर्न भरना ही मैंडेटरी नहीं। इसी प्रकार से सर मिस्टर ई, जो कि एक सुपर सीनियर सिटीजन है सर, 85 साल, अब इनके लिए ग्रॉस टोटल इनकम और टोटल इनकम सेम है सर, इन्होंने कोई कटौती नहीं क्लेम करी,
इनको भी सर किसी भी प्रकार की फीस नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही? क्योंकि एक रेजिडेंट सीनियर सिटीजन सुपर सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 5 लाख रुपए की है, अतः मिस्टर ई भी बच गए। अब आई सर बात पार्टनरशिप फर्म एक्स एंड कंपनी की। सर इनकी टोटल इनकम आप देखिए सर 5 लाख रुपए से कम है या 5 लाख रुपए से नीचे है, और सर इन्हें पहली सूरत में टाइमली रिटर्न भरने पर निल फीस, और बाकी की दो सूरत में सर क्योंकि इनकी टोटल इनकम 5 लाख रुपए से कम है अतः दोनों ही सूरत में इन्हें 31 मार्च 2020 तक मात्र 1000 रुपए की फीस देनी है। अब आइए सर वाई एंड कंपनी के केस में। इनके केस में 7.5 लाख रुपए की ग्रॉस टोटल इनकम, 7/12 की टोटल इनकम सर। इन सज्जन को 31 अगस्त तक यदि नॉन टैक्स ऑडिट केस है रिटर्न भरने पर इस फर्म को कोई फीस नहीं देनी, परंतु यदि ये डेट निकाल गए सर तो 31 दिसंबर तक इन्हें 5000 और उसके बाद सर इन्हें 10000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। तो ये मैसेज सर आपको ध्यान रखना है सर कि यदि किसी व्यक्ति की टोटल इनकम 5 लाख रुपए तक है और वो व्यक्ति चाहे वो इंडिविजुअल हो, पार्टनरशिप फर्म हो, HUF हो, एक LLP हो, और वो पर्टिकुलर व्यक्ति के केस में टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है सर, जिनके लिए ड्यू डेट अभी अभी 31 अगस्त 2019 एक्सपायर हुई है, यदि 5 लाख रुपए तक की टोटल इनकम है और 2.5 लाख से ऊपर मैं मानता हूं, तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें मात्र 1000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी चाहे वो 31 मार्च 2020 तक की रिटर्न क्यों ना भरे। और यदि उस सज्जन की इनकम, उस व्यक्ति की इनकम 5 लाख रुपए से ऊपर है, और यहां इनकम का मतलब टोटल इनकम है सर, तो 31 दिसंबर तक रिटर्न भरने पर सर उन्हें 5000 और उसके बाद रिटर्न भरने पर सर उन्हें 10000 रुपए की फीस देनी पड़ेगी। अब यहां सर मैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न है, क्या फीस दिए बिना रिटर्न अपलोड की जा सकती है? तो सर क्योंकि आप यदि 31 अगस्त 2019 निकाल दिए हैं और अब आप रिटर्न भर रहे हैं, तो नेचुरली आपको एक बार वार्निंग आएगी कि आपकी फीस लगेगी, और आप बिना किसी पर्टिकुलर फीस का भुगतान किए भी रिटर्न तो अपलोड कर सकते हैं, लेकिन लॉ में सेक्शन 140A में स्पष्ट कर दिया गया है कि सेल्फ असेसमेंट करते समय यानी रिटर्न भरते समय आपको अपना टैक्स देना है, इंटरेस्ट देना है और फीस भी देनी है। तो प्राइमा फेसाई सर मैं इस क्वेश्चन का आंसर टेक्निकली तो ये दूंगा कि रिटर्न बिना फीस के भी अपलोड होनी चाहिए, परंतु आपको प्रैक्टिकली फीस का भुगतान 234F में करना पड़ेगा यदि आपकी रिटर्न बिलेटेड है। और मेरे पहले के डिस्कशन में आप एक ऐसे एसएससी हैं जिसको ड्यू डेट तक रिटर्न भरनी थी परंतु उसने अपनी रिटर्न भरी नहीं। अगला प्रश्न देखिए सर, क्या फीस की राशि की इनकम टैक्स गणना में कटौती क्लेम की जा सकती है? तो सर इस प्रश्न का उत्तर यदि मैं लॉ के अंदर जाकर के निकालने की कोशिश करूं सर तो कोई उत्तर दिया नहीं है, परंतु एक सरल सा कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स और उससे रिलेटेड भुगतान जो एक एसएससी करता है, मे बी इंटरेस्ट या फीस, उसका जनरली इनकम टैक्स की इनकम की कैलकुलेशन में डिडक्शन सरकार नहीं देती, तो प्रोबेबली सर इस फीस का डिडक्शन क्लेम करना संभव ना हो। अगला प्रश्न सर, क्या ऐसे करदाता जिनकी पूर्ण आय आयकर से मुक्त है उन पर भी फीस लगाई जा सकती है? मैं इस प्रश्न का उत्तर ऐसे दे सकता हूं सर, से फॉर एग्जाम्पल somebody इज एन एग्रीकल्चरिस्ट, एक व्यक्ति केवल खेती करता है और वो एक इंडिविजुअल है सर, तो उसको रिटर्न भरने की जरूरत ही नहीं, एज्यूमिंग दैट कि उनके पास कोई और इनकम नहीं है, चाहे 15 लाख ही खेती से आए क्यों ना हो। अब वो अगर वॉलेंटरली यानी स्वेच्छा से भी अपनी रिटर्न भर दें, चाहे 31 मार्च 2020 तक भी भर दें सर, उनके ऊपर किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगाई जाएगी। तो आप मेरे इस बात को ध्यान रखिएगा सर, जिस व्यक्ति को 139(1) में रिटर्न भरना मैंडेटरी है उसके ऊपर तो फीस लगेगी यदि उसने ड्यू डेट निकाली है, अन्य पर फीस लगने का प्रावधान नहीं आएगा। अगला प्रश्न देखिए सर, क्या देर से फाइल की गई आयकर रिटर्न जो फीस भुगतान पश्चात फाइल की गई हो से संबंधित लॉस कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं क्या? तो देखिए सर, हम लोग टेक्निकली लॉस को 3 कैटेगरीज में डालते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉस, बिजनेस इनकम से रिलेटेड लॉस और कैपिटल गेन से रिलेटेड लॉस। इनकम टैक्स लॉ ये कहता है आपको हम बिजनेस के लॉसेस और कैपिटल गेन के लॉसेस कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देंगे यदि आपने टाइमली रिटर्न नहीं फाइल करी है तो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लॉसेस पर सर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। तो समझने की बात क्या है सर, अगर आपके पास बिजनेस हेड में लॉस है या कैपिटल गेन हेड में लॉस है और आप कैरी फॉरवर्ड करना चाहते हैं यानी अगले सालों में उस लॉस को ले जाकर एडजस्ट करना चाहते हैं, तो चाहे आप फीस का भुगतान करने को भी तैयार हैं सर, तो भी इनकम टैक्स विभाग आपको कैरी फॉरवर्ड नहीं करने देगा। हालांकि मैं इस प्रकार की व्यवस्था को गलत मानता हूं, क्यों? क्योंकि एक तरफ सरकार आपसे फीस ले रही है,
बिलेटेड रिटर्न भरने की, तो सर जब आप मेरे से फीस ले रहे हो तो मुझे कोई सुविधा तो दो। बिना सुविधा के भी सर मेरे लॉस नहीं कैरी फॉरवर्ड करने दे रहे, यही मेरी सुविधा का अभाव है और आप मेरे से फीस ले रहे हैं, तो मैं इसको कॉन्सेप्चुअली गलत मानता हूं। और एक अंतिम प्रश्न है सर, क्या रिवाइज रिटर्न फाइल करने पर फीस देनी पड़ेगी? सर यदि आपने ओरिजिनल रिटर्न टाइमली फाइल कर दी है तो आपको रिवाइज रिटर्न फाइल करने पर फीस नहीं देनी, चाहे वो आपने ड्यू डेट के बाद क्यों ना भरी हो। लेकिन अब सर लॉ ये कहता है कि एक बिलेटेड रिटर्न भी रिवाइज हो सकती है, तो यदि मान लीजिए आपकी पहली रिटर्न बिलेटेड थी और आपने उसको रिवाइज किया, तो पहली रिटर्न में यदि फीस दे चुके तो दूसरी में प्राइमा फेसाई नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन आप ऐसा समझिए, आपने पहली रिटर्न बिलेटेड भरी 3 लाख की टोटल इनकम की, दूसरी रिटर्न रिवाइज करके 6.5 लाख कर दी, तो आपकी पहली रिटर्न में तो आपने मात्र 1000 रुपए की फीस दी, जबकि दूसरी रिटर्न के हिसाब से आपकी टोटल इनकम मान लीजिए 6 लाख की है, तो सर आपको 5000 रुपए की फीस देनी थी। तो ये सर आप पर डिफरेंस अमाउंट 4000 रुपए की फीस की लेवी आ सकती है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अंत में सर मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं मुझे सुनने के लिए, और मैं इसी प्रकार के विषय जो जनता जनार्दन से रिलेटेड हैं उनको आपके सामने लाने की कोशिश करता रहा हूं, करता रहूंगा सर। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं, यदि आपके दिमाग में कोई प्रश्न हो इनकम टैक्स से रिलेटेड, जिस पर आप कुछ क्लैरिटी इस प्रकार से चाहते हो, तो आप मुझे लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा सर कि उन पर मेरी सूक्ष्म बुद्धि से आपके लिए यदि कोई पर्टिकुलर निष्कर्ष या कोई पर्टिकुलर सॉल्यूशन ला पाया तो मैं जरूर लाने की कोशिश करूंगा। साथ ही सर मुझे इसी प्रकार से प्रोत्साहित करते रहने के लिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस शेयर करने के लिए मैं आप सभी का हार्दिक आभारी हूँ। धन्यवाद।